बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड किचन। कैसे हैं व्यूवर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वाले व्यूवर्स भी ठीक होंगे। और गर्मियाँ कैसे जा रही? कराची में तो बहुत गर्मी है, लेकिन यह है कि साथ ठंडी ठंडी समंदर की हवा भी चलती है तो अच्छा लगता है। आज मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश पर आलू और गोश्त का सलाद बनाऊंगी, शोरबे वाले लंबे शोरबे वाला। तो गोश्त मैंने इसकी मैं रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ। तो गोश्त मैंने लिया है आधा किलो चिकन लिया है, इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है। और नॉर्मली इसकी बोटियाँ मैंने बनवाई थी। और दो बड़े साइज़ के आलू हैं, उनको भी मैंने कटिंग करके पानी में भिगो के रख दिया है, पील ऑफ करके। ये देखें इस साइज़ के आलू। एक टमाटर है बड़े साइज़ का, दो तीन सब्ज़ मिर्चे हैं जो मैं साबुत डालूंगी, इनको मैंने हाफ कटिंग कर लिया। और तीन और चार जो मिर्चे हैं वो मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैंने दरदरा से कूट लिया है। दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और तीन चार इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल के मैंने इसको पीसा है। और इसमें हाफ चम्मच जो है वो मैंने डाला है सूखा धनिया। ऐसे डाल के जो मैं दरदरा से कूट लेती हूँ तो फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। आप भी ट्राई करना तो आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। और इधर मेरा एक बड़े साइज़ का प्याज है जो मैंने कटिंग करके तो इसके स्लाइस जो हैं ऐसे अलग अलग कर लिए ताकि ये इक्वल फ्राई हो। ये देखें कुछ रह गए, अभी मैं आपके सामने कर रही हूँ। अगर इसके स्लाइस लदा कर लें तो ये फ्राई जो है जब हम ऑयल डालते हैं या घी डालते हैं तो ये फ्राई जो है वो इक्वल होता है। और जो सूखे मसाले हैं उनमें हाफ चम्मच जो है वो लाल मिर्च पाउडर है, क्योंकि लाल मिर्च एक तो गर्मियाँ हैं तो इतना सूट भी नहीं करता मैदे को, दूसरा ये घर की भी सी हुई मिर्चें हैं तो है भी ज़रा कड़वी, तो मैं हाफ चम्मच डालूँगी। हाफ चम्मच से कम हल्दी है, एक चम्मच भर के नमक है, हाफ चम्मच जो है वो ज़ीरा है और थोड़ी सी सूखी मेथी है। सूखी मेथी डालने से टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो आपने मेरे साथ बने रहना और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक दिया करें, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो चले आग जलाते हैं और खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई चूल्हे पर रख लिया है, ऑयल शामिल कर लिया, ऑयल नहीं घी है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करूँगी। ज़ीरा तो थोड़ा सा घी में फ्राई कर लें पहले, तो इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती खाने में और इसका टेस्ट भी जो निकल आता है जी। तो वीवर ज़ीरे का खुशबू आने लगी है, फ्राई हो गया ज़ीरा अच्छे से। तो अभी हम प्याज शामिल करेंगे इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याज शामिल करके लाइट ब्राउन कलर की करें, हाँ जी वीवर प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो आग मेरी चल रही है, अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका भी टेस्ट थोड़ा सा इनहांस हो जाए। और पत्ता पानी की जो खुशबू है वो भी खत्म हो गई। आपको जो है वो मीडियम रखना है, गर्मियों में चूल्हे आगे खड़ा होना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन खड़ा होना पड़ता है। फिर 1 मिनट हो गया है तो अभी मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चिकन को इतना फ्राई करूँगी कि चिकन का जो है वो कलर चेंज हो जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी इसमें कि चिकन का जो है वो कलर भी चेंज हो जाए और अदरक लहसुन का जो टेस्ट है वो भी आ जाए।
फ्लेवर जो है वो भी इसमें आ जाए। आँच को बिल्कुल मीडियम से स्लो रखना है, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करनी, ज़्यादा तेज़ आँच पे खाना अच्छा नहीं बनता, स्लो आँच पे ही खाना जो है वो। हाँ जी देखिए कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, देखें व्यूअर। जी तो व्यूअर चिकन का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है, तो अभी मैं इसमें टमाटर भी डाल दूँ। सब्ज़ी मटर जो हमने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ शामिल कर लिए, तो अभी टमाटर भी शामिल कर लेंगे ताकि टमाटर नरम भी हो जाए और टमाटर का टेस्ट भी आ जाए। कोई मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले, बस घर के मसाले हैं जिनमें मैं पकाऊंगी, और घर के मसाले में ही बेसिक मसाले ही मैं यूज़ करती हूँ घर के, कोई एक्स्ट्रा नहीं मसाले डालती हूँ। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना जो है वो अच्छा होता है और मेरे हस्बैंड को पसंद आता है। बड़ी बातें सुनी है मैंने इस खाने के लिए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे खाना बनाना आ गया है और मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ अपनी वीडियोस। आप लाजमी मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। जी तो व्यूअर्स मसाला सारा अच्छे से फ्राई हो गया है गोश्त में, ये देखें टमाटर भी अच्छे से मेल्ट हो गए हैं, अदरक लहसुन का भी बहुत ज़बरदस्त बुनाई हो गई है। तो अभी मैं इसमें जो अपने सूखे मसाले हैं वो शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह, ये देखिए आपके सामने बिस्मिल्लाह, ये डालती हूँ अच्छे से इसको, मैं भूनूंगी डाल के सारे मसाले का, चिकन में अच्छे से फ्लेवर आ जाए। सूखी मेथी थोड़ी सी शामिल किया करें, इसके साथ जो है वो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है सूखी मेथी के साथ। देखिए माशाल्लाह से अच्छे से फ्राई हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया, तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से फ्राई किया। तो अभी मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। हाँ जी व्यूअर देखिए मैं अभी इसमें आलू शामिल कर दूँगी, बिस्मिल्लाह। गोश्त बहुत अच्छे से फ्राई हो गया और कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आया है गोश्त का। अभी हम 3 से 4 मिनट अच्छे से आलू को भी फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया, हल्का सा पानी लगाएंगे और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे ताकि सारे मसाले का टेस्ट जो है फ्लेवर जो है आलू में भी आ जाए। जी तो व्यूअर देखें माशाल्लाह से हाँ जी व्यूअर देखें माशाल्लाह से आलू और चिकन जो अच्छे से मैंने मसाले के अंदर भून लिया और इसका फ्लेवर जो है आलू और गोश्त में मसाले का सारा आ गया, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही। काश कोई ऐसा बटन होता जो मैं आपको इसकी खुशबू भेज सकती कि देखें कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अभी 2 मिनट मैं इसको 1-2 मिनट और अच्छे से फ्राई करूँगी
मुझे याद है बचपन में मेरी अम्मी बनाते होते थे आलू और चिकन का शोरबा, और मुझे याद है मेरी अम्मी ना बचपन में आलू और चिकन का शोरबा बनाया करते थे, या फिर बड़े का गोश्त या छोटे बकरे का गोश्त का। तो हम बहन भाइयों ने ना चूल्हे के आसपास बैठ जाना, कटोरियाँ लेके कि अम्मी सानू भुनी हुई बोटी काढ़ के दो। फिर मेरी अम्मी ने ना भुनी हुई बोटी एक एक हम तीनों बहनों को और एक भाई को भुनी। क्या दौर था बचपन का, आज मुझे बहुत याद आ रहा है मेरी सोनी अम्मी। तो भी देखे माशाल्लाह से फ्राई हो चुका है, तो अभी मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, ये वाले दो गिलास पानी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसका लंबा शोरबा हम बनाएंगे, बहुत यम्मी सा और मज़ेदार किस्म का। देखे माशाल्लाह से कलर भी इतना ज़बरदस्त आया है जी। तो भी डेढ़ गिलास मैंने पानी का डाला है, इतना ही शोरबा मुझे चाहिए कि पक के जो है वो थोड़ा सा रह जाए। तो अभी मैं इसको पकने के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर पकाऊंगी ताकि जो मसाला है मैं डाला उसका भी फ्लेवर निकल आए और शोरबा भी पक जाए। थिक थिक शोरबा बनाऊंगी, तो मिलते हैं आपको फाइनल लुक के साथ। ये देखें व्यूअर, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और शोरबा भी मुझे जितना चाहिए उतना हो गया है बन के। ये देखें आलू भी गल गए हैं, ये देखें। तो अभी हम इसमें धनिया, तीन सब्ज़ मिर्चें और धनिया डाल के तो आंच को हम बिल्कुल बंद कर देंगे। मज़ेदार आलू चिकन का शोरबा रेडी। जी तो वीवर माशाल्लाह से मेरा सालन रेडी है, आलू चिकन का शोरबा। ये देखें बहुत ज़बरदस्त और डिलीशियस बना है। आप भी मेरी वीडियो देख के ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका भी इस तरह अच्छा बनेगा। मैंने कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले, जो गर्मी ही बेसिक मसाले हैं सूखे और दूसरे डाल के आपके सामने सारा बनाया, तो बहुत ज़बरदस्त और अच्छा बनाएंगे देखें माशाल्लाह से। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी देना कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।